गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 12। दिस इज चैप्टर 12, इंटरेस्टिंग क्रिएचर। जो यहाँ पर क्रिएचर्स के बारे में बताया गया, एक अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स हैं कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम इंटरेस्टिंग क्रिएचर, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द क्रिएचर्स। यानी कि यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है क्रिएचर्स की, आपको उन्हें पहचानना है कि वो कौन सा क्रिएचर है और नेम नोट करना है। देखिए, इट इज़ ए स्मॉल एनिमल विथ ए सॉफ्ट बॉडी। द बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल होल्स कॉल्ड पोर्स, दैट इज स्पंज। यानी कि जो स्पंज है, एक स्मॉल एनिमल है, छोटा एनिमल है, जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पोर्स। होल्स को क्या बोलते हैं, जो होल्स होते हैं उन्हें पोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट, इट लिव्स इन द पोलर सीज, इट हैज थिक लेयर्स ऑफ फैट, दैट इज वेलरस। यानी कि वेलरस कहाँ रहता है, पोलर सीज में रहता है और इसकी बॉडी पर फैट की एक चौड़ी लेयर होती है। नेक्स्ट, इट इज़ ए स्मॉल एनिमल विद अ सॉफ्ट बॉडी डैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड शेल, दैट इज न्यूटिलस। यानी कि जो न्यूटिलस है वो स्मॉल एनिमल है, उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एंड इसकी जो बॉडी कवर होती है, एक हार्ड शेल से कवर होती है, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट, इट इज एन ओड फिश, इट हैज अ बॉनी हेड डैट लुक्स लाइक अ हॉर्स हेड, इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ टिनी फिन्स एट इट्स बैक, व्हेन इट वांट्स टू रिमेन स्टिल इट जस्ट कर्ट्स इट्स टेल अराउंड ए ब्लेड ऑफ अंडर वाटर ग्रास एंड हैंग्स ऑन, दैट इज सी हॉर्स। यानी कि जो सी हॉर्स है, वो ऑड फिश है, इसका जो सर होता है, हेड होता है, वो हॉर्स की तरह होता है, यानी कि बॉनी हेड होता है, जो कि एक हॉर्स के हेड की तरह दिखता है। जैसा कि हॉर्स का हेड होता है, वैसा ही इसका हेड होता है, इसीलिए इसे सी हॉर्स कहा जाता है। और ये जो स्विम करता है, वो इसके फिन होते हैं, फर होते हैं, उसकी हेल्प से ये वाटर में स्विम कर पाता है। और ये फिन जो होते हैं, इसके बैक साइड पर लगे होते हैं। जब ये रुकना चाहता है तो ये क्या करता है, अपनी जो टेल होती है उसको उससे नीचे की ओर जाता है और वहाँ पर रुक जाता है, जहाँ पर वाटर में ग्रास वगैरह होती है, नीचे जा कर के वहाँ ये आराम से रुक जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ ए लॉन्गेस्ट लिविंग एंड लैंड एनिमल, इट हैज़ डन शेप्ड शेल्स ऑन देयर बैक, दे पुल देम सेल्स अंडर द शेल व्हेन एन एनिमी इज नियर, दैट इज टॉर्टो। यानी कि टॉर्टो एक लॉन्गेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है, जो कि इसकी शेप्ड कैसी होती है, सॉरी, इसके बैक पर एक शेप बनती होती है, शेल होता है, जैसे देखिए ये है। एंड ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और जब ये अपने एनिमी को अपने आसपास देखता है तो अपने आप को इस शेल के अंदर छुपा लेता है। नेक्स्ट, ईल, इट इज ए फिश विथ ए स्नेक लाइक लॉन्ग एंड स्लीपरी बॉडी, इट हैज जस्ट वन फिन दैट रन्स अलोंग इट्स बैक अराउंड इट्स टेल एंड अलोंग इट्स लोअर साइड। यानी कि जो ईल है, वो एक फिश है जो कि सांप की तरह लंबी होती है, यानी कि लंबी लंबी होती है ये, जिस तरीके से सांप होता है, स्नेक होता है, उसी तरीके से इसकी बॉडी होती है एंड इसकी बॉडी स्लिपरी होती है, इसको इजीली हम हाथ में नहीं ले सकते, यानी कि इसको कैच नहीं कर सकते। और इसके पास, इसकी बॉडी पर एक फिन होता है, जिसकी वजह से ये बैक उल्टी भी तैर सकती है एंड इसके लोअर साइड पर एक टेल भी पाई जाती है, यानी कि पीछे की साइड में एक टेल होती है लास्ट में। एंड इसकी बॉडी कैसी होती है, स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से ये हाथ में नहीं आ पाती है। तो ये 6 सेंटेंस है जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, तो एंड इनको लर्न भी करना है। तो इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स, यहाँ पे 6 क्रिएचर्स के बताया गया, स्पंज, वेलरस, न्यूटिलस, सी हॉर्स, टॉर्टोइज एंड ईल। ये 6 सेंटेंस आपको याद रहने चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स कोई पूछता है तो आप उनके नेम दें एंड नेम के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नेम ये क्यों है, ये किस तरीके से हैं। क्लियर,
कि जैसे सी हॉर्स है वो इसलिए कहा जाता है सी हॉर्स क्योंकि इसकी जो हेड होता है वो हॉर्स की तरह होता है। ईल फिश की स्नेक शेप होता है इसका। टॉर्टोइज इसके ऊपर एक शेल होता है जिसमें वो अपने अपने आप को कवर रखता है। एंड न्यूटिलस जो कि इसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास क्या होता है हार्ड शेल होता है जिसकी वजह से इस एनिमीज पर अटैक नहीं कर पाता है। तो ये 6 सेंटेंस आपको लर्न करने हैं। योर चैप्टर 12 इज कम्प्लीट।